गुड मॉर्निंग गाइस, भाई सुबह हो गई है। रात को हम झरने पे से नहाने के बाद में, ऋषिकेश का नाइट व्यू देखने के बाद में, उस ऊंची पहाड़ी से नीर झरने से आगे था वो, हम लोग मतलब नीचे उतर के आए। भाई साहब वहाँ तगड़ा जाम था और ये कह सकते हो रूम की बड़ी तगड़ी किल्लत थी, हमें वहाँ रूम नहीं मिला। उसके बाद हमें रात में रिटर्न यहाँ पर आना पड़ा हरिद्वार। हरिद्वार में हमने रूम लिया, यहाँ स्टे किया रात को। भाई इस बार बहुत तगड़ा सबक मिला है, वीकेंड पे कभी भी बाहर मत निकलो विदाउट रूम की बुकिंग। रूम की बुकिंग अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो ऐसी जगह पे, दिल्ली से नज़दीक वाली जगह पे, तो रूम की बुकिंग करके आओ। बाकी फाइनली हरिद्वार में भी रूम थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे यहाँ सारा, यहाँ क्योंकि सारे लोग उतर उतर के आ रहे थे इधर की साइड में, सारा फुल था यहाँ पे। रात को 2 बजे जाके हमें रूम मिला, ये वाला रूम मिला भाई, लेकिन रूम हमें ठीक ठाक मिल गया। अब देख सकते हो ये जो है, यहाँ मैं बैठा हूँ, ये डबल बेड है, मतलब 2 डबल बेड है यहाँ पर इस जगह, एंड 1 डबल बेड उधर है। बाकी वॉशरूम बहुत सारी चीज़ें। अभी तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने चलते हैं। और ये आ गया भाई हमारा ब्रेकफास्ट, चाय पराठा मस्त बना रखा है। भाई कैसी रही तेरी रात? एक नंबर तो नहीं रही बेटा, गाड़ी में सो रहा था तू, गाड़ी में गद्दा बना के सो रहा था भाई ये। इसको पता ही नहीं चला कब हम ऋषिकेश से हरिद्वार आ गए। बाकी अब चाय का आनंद लेते भाई, मस्त लग रही है देखने में तो, मस्त है भाई। तो भाई देखो बसड़ हो गई है हमारे साथ, हमारा टायर हो गया, हवा निकल के पता नहीं पंचर हो गया इसमें। अब या तो हवा भर के देख रहे हैं इसमें, नहीं तो फिर चेंज करेंगे टायर और क्या करें। गाइज हम फिर से आ गए हैं हरिद्वार गंगा किनारे, एंड अब अभी हम जा रहे हैं मनसा देवी। अरे मनसा देवी पैदल यात्रा करके, और अभी हमने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं करीबन 100 के आसपास और विश्राम कर लिया भाई। एंड अनिल भाई की हालत खराब है, ये जाना ही नहीं चाह रहा। अब बोल भाई। अरे भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, बस काट रहे हम। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं भाई ऊपर, कुछ सीढ़ी चढ़ के आ गए बस। प्रेम से बोलो। बोल भाई। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। दोस्तों हमारे किशोर भाई एकदम थक चुके हैं, चूर हो गए हैं, देख रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं 2 इंच पेट कम हो गया अभी जस्ट। लेके आया हूँ। अच्छा आधे रस्ते आ चुके हैं भाई, हवा चल रही है बड़ी मस्त। जोर से बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। दर्शन करके आ गए हैं मेन मंदिर में, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी भाई। अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे और उसके बाद आगे निकलते हैं। टाइम बच गया, 4 बज गए भाई शाम के, 4 बजे से थोड़ा सा ऊपर हो गया टाइम।
सो गाइस फाइनली हमारी ट्रिप जो है ओवर हो गई है। आज हमने मनसा देवी के लिए चढ़ाई करी, पैदल यात्रा करी भाई सभी ने मिलके, एंड पैदल गए पैदल ही वापस आए। कैसा फील हुआ भाई तुमको मनसा देवी के मंदिर जाके और वहाँ दर्शन करके? भाई मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ, जब मैं चढ़ रहा था बहुत थक चुका था, एकदम हालत खराब होगी चढ़ते चढ़ते चढ़ा दे, बट जब मैं वहाँ माता जी के दर्शन किए ना उसके बाद जैसे रिटर्न हुआ तो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ ऐसा फील हुआ। और भाई आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा मनसा देवी का? हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अभी अभी आए भी थे हम, और ये बात जो अभी बताएं कि ऊपर जाते समय जो थकान थे कुछ भी अनुभव हो रहे थे, मंदिर से दर्शन करने के बाद सारे थकान छू मंतर हो गए, ये मनसा माता की कृपा है। एंड पंकज भाई मैं तो एक सबको सलाह दूंगा कि बहुत अच्छी जगह है और इसमें टाइम चाहिए और हमारा टाइम सारा भीड़ भाड़ में खत्म हो जा रहा है। भाई इस बार की ट्रिप का आपके आपका ओवरऑल बताओ क्या सीन रहा इस बार ट्रिपियों में? तो इस बार नहीं आना चाहिए, आओ प्रॉपर छुट्टी लेके आओ यहाँ पर दर्शन करने। हरिद्वार ऋषिकेश भी कह सकते हैं, संडे के दिन या सैटरडे दिन आओगे ना तो बड़ा मुश्किल है एंजॉयमेंट करना। रात का सीन आपका कैसा रहा? रात तो पूछो मत, कैसे कैसे हम तो पूरा प्लान बना चुके थे कि रुकेंगे बाहर ही, गाड़ी में सोएंगे, हम पूरा सेट कर चुके थे जुगाड़ प्रेजा का, सीट भी बना ली थी, लेकिन सुशील जी की देन है कि तो ले पड़े खाना खिलाने के लिए, उसके बाद फिर उनकी ना हरिद्वार आए और रूम बुक किया और फिर रात में 2 बजे सोए। भाई तगड़ी बसंती, रात में रूम वूम तो था ही नहीं वहाँ, तो ऋषिकेश में नहीं था, तपोवन में नहीं था, शिवपुरी में नहीं था, उसके बाद हरिद्वार में भी नहीं था, लास्ट जो 2 रूम बचे थे उस मतलब जहाँ हम रुके, और हमसे पहले एक बंदा गया और सेकंड मैं था, मेरे बाद एक बंदा आया उसको रूम नहीं मिला, हमने कोशिश करी रूम मिल गया था भाई, तो रात लगे बढ़िया। लेकिन आज जो मनसा देवी की यात्रा रही भाई बढ़िया, एकदम पैदल यात्रा करी हमने, जो भी चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है सीधी चढ़ाई है वहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा, थकावट हुई लेकिन जैसे दर्शन किए हमने सारी थकावट गायब हो गई भाई, और उसके बाद वहाँ से उतर के दोबारा से हम फिर थक चुके थे, पसीने भी आ गए थे पूरी बॉडी में, और फिर गंगा को देख गंगा स्नान करना तो फिर बनता था भाई, और तो गंगा स्नान किया हमने, उसके बाद अब हम जा रहे रिटर्न घर। ये हमारी जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, इसके बाद भाई अंधेरा हो जाएगा और बस हम थक भी चुके हैं तो सोते लेटते जो भी एंजॉय करते हुए हम जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ओके बाय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ओके गाइस बाय बाय।